बढ़िया है। और अभी हो रही है सुबह के बज रहे हैं 5, तो हम लोग निकल चुके हैं ट्रिप पे और यूपी बैठा है पीछे और जो सोच रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें लड्डू गोपाल, लेकिन हमारा जो है मन नहीं माना तो वो हमारे साथ आया। और देखो हम लोग निकल चुके हैं, बज रहे हैं 5, 3 बजे उठ गई थी मैं तो खाना पीना बनाया। हाँ ये लोग उठ गए 4 बजे और काफी सामान जो है रात में ही हमने गाड़ी में रख दिया था पीछे सारा सामान, तो ट्रिप पे निकल चुके हैं, ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है, सब कुछ जो है बस बढ़िया बढ़िया जाए। तो अभी धीरे धीरे आप लोग जो है व्लॉग में बने रहिए तो आपको पता चल ही जाएगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो अभी पता नहीं चलने वाला, लग रहा बारिश, हाँ कहीं नहीं बारिश तो नहीं लग रही है आधे में, और सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का फॉग है, मतलब ऐसी बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन सुबह सुबह का जो वेदर होता है वो बहुत अच्छा लगता है, मौसम भी सही हो गया, बारिश हो गई, सनराइज जब होगा तब दिखाएंगे आप लोगों को। क्या क्या पड़ा है ये? हाँ यू भी कैसा लग रहा है? बढ़िया। चलो अभी जो है बहुत लंबा सफर है तो काफी लंबी जो है गाड़ी चलने वाली है, कितने कितनी जाएगी गाड़ी हमारी आज? आज तो देखते हैं जितना भी पहुंच पाए, वैसे अप्रोक्सीमेटली 700 तो आई, 700 किलोमीटर आज जाना है आज, और कैसे 700? क्यों आज तो 700 थोड़ा पूरा नहीं जाएंगे, हम बीच में रुकना ही पड़ेगा, शिमला नहीं है ना, शिमला तो नहीं है, 700। अच्छा हाँ 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 तो स्पीड ही है, तो हमें आज जो है भी पहुंच पाए डेढ़ घंटे जो हमारी डेस्टिनी है वो तो काफी दूर है, लेकिन आज देखते हैं हम कितनी दूर तक कवर कर पाते हैं आज, इसी वजह से हम लोग जो है निकल चुके हैं 5 निकल गए थे घर से अपने, और नजदीक से हमारे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जा रहा है, हाँ। उसी को हमने ले लिया, और अभी हम कितने किलोमीटर आ गए, अभी ज्यादा नहीं है, 24-25 किलोमीटर है, मतलब 20 किलोमीटर मान लो आ गए लगभग। तो सबसे पहले अभी जो है पहुंचना है वहाँ की दूरी दिखा रहा है ये 6 घंटे नहीं पौने 7 घंटे, हाँ 6 घंटे 44 मिनट, और फिर जो आगे जो जाना है जहाँ तक पहुँचना है मेन जो है, तो अभी वो तो और टाइम लगेगा, तो वो बताएंगे धीरे धीरे कि कहाँ तक जाना है, शिमला से आगे शिमला नारकंडा और आगे बहुत सारे गाँव है, उस सबसे आगे जो है स्पीति वैली में जहाँ मॉनेस्ट्री वगैरह है सारी, और जो इंडिया का सबसे लास्ट वहाँ पेट्रोल पंप है, और आपको ढाबा मिलेगा जो इंडिया का लास्ट पोस्ट ऑफिस है, लास्ट पोस्ट ऑफिस है, तो वो सारी चीजें हैं, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे एक वो है वहाँ पर, नहीं वो ब्रिज चीचम ब्रिज, चीचम ब्रिज कहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस ब्लॉग में आप लोगों को हम दिखाएंगे और हम भी घूमेंगे, मतलब ये जो हमारी सीरीज चलेगी इस ट्रिप जो है हमारा कवर हो पाएंगे, कोशिश करेंगे सभी हम सभी में आप लोगों को हम दिखा पाए, हमारे थ्रू आप लोग भी घूम पाए, और थोड़ी नॉलेज जो भी है जितनी भी हम हो सकता है वो सारी देंगे। अभी हम लोग गाजियाबाद से निकले हैं, और कौन सा है ये? ईस्टर्न है पेरिफेरल, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, इस पे जो कार की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 120 की है, लेकिन रोड इतना अच्छा नहीं कि 120 में चलाया जाए, मतलब 90-100 की स्पीड ठीक है, क्योंकि रोड बीच बीच में ना मतलब हम जैसे हैं तो गाड़ी जंप करती है, तो ऐसे बहुत फ्लेक्सिबल ऐसे गाड़ी स्मूथ की जाएगी, मतलब जो मैप गूगल मैप शो कर रहा था वो दिखा रहा था हमें वाया मनाली, मतलब स्पीति वैली वाया मनाली, बट जो वाया मनाली है ना वो रोड बहुत खराब है, मनाली से आगे अगर हम जाएंगे स्पीति वैली तो लगभग 70 किलोमीटर का ऑफ रोड है, और ऑफ रोड हमारी गाड़ी के लिए तो नहीं है, मतलब इसका एक तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो, ऊपर से बढ़िया गाड़ी हो, जो कह सकते हो आप पावरफुल गाड़ी हो, 4x4 ना भी हो पावरफुल तो हो, पावरफुल गाड़ी हो तो वो गाड़ी का रूट बेकार है, तो मतलब हमारे हिसाब से वो नहीं है, तो हम लोगों ने इसलिए पहले शिमला लगाया, शिमला से आगे नारकंडा होते हुए जाएंगे हम, तो नारकंडा देखते हैं वहाँ पे रुक जाए या उसके आस पास कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि पहले तो हम लोगों का यही हो रहा था कि हम मनाली होते हुए जाएंगे, रोहतांग घूमते हुए जाएंगे कि हम चलो रोहतांग जा रहे हैं तो रोहतांग भी देख लेंगे, लेकिन फिर सब जो सर्च किया उसके हिसाब से वहाँ का रोड तो बिल्कुल सही नहीं है, तो ऑफ रोड है पूरा, ऑफ रोड है हाँ। जिसको ज्यादा एडवेंचर करना है, और जिसको अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइक से भी जाते हैं वो तो जा सकते हो,
और अच्छी पावरफुल गाड़ी है तो आप ले जाओ तो चली जाएगी। लेकिन अब जैसे ग्राउंड क्लियरेंस जिसका कम है ना वो ना जाए, क्योंकि ऑफ रोड है, बड़े बड़े पत्थर बीच में मिलेंगे, पानी वानी सब है ना, तो वो उस हिसाब से आप जाओ। वरना होता क्या है, वो एक सर्कल है पूरा, यानी कि अगर आप शिमला की तरफ से जा रहे हो तो पूरा एक सर्कल है शिमला होते हुए स्पीति वैली, फिर इधर बना दिया जाओगे, और अगर मनाली की तरफ जा रहे हो तो इधर होते हुए शिमला आ जाओगे, वो एक सर्कल है। तो जिस हिसाब से देखा तो हम लोगों को फिर ये लगा कि भाई ऐसा रिस्क लेना सही नहीं है कि मतलब फंस जाए कहीं गाड़ी, तो अपनी गाड़ी को देखते हुए ही डिसीजन ऐसा लेना चाहिए कि जहाँ रोड हमें सही मिले। और शिमला का जो रोड है वो बता रहे हैं ठीक है, शिमला के आप शिमला के साइड से जाओगे तो चलो। फिर अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, वैसे ही दिखा रहा है 1-2 बजे तक शिमला पे पहुंच जाएंगे हम लोग, अगर कंटिन्यू गाड़ी हमारी चलती रही। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, कंटिन्यू नहीं चलेगी, क्योंकि कुछ तो खाना पीना, वैसे तो मैं खाना बना के लाई हूँ लेकिन चाय के लिए जरूर कहीं रुकेंगे, चाय बनाने के लिए, क्योंकि हम चाय बाहर की बिल्कुल भी नहीं पियेंगे, हम बनाएंगे चाय, इसलिए वो आधा घंटा जा सकता है। और देखते हैं क्या होता है, अगर जैसे जैसे होता रहेगा। हाँ टाइम बचाना है, अगर नहीं भी बनाई तो आज बाहर की पी लेंगे, क्योंकि आज खाना जो है मैं बना के लाई हूँ, इसमें से देखते हैं चाय जहाँ पे भी खाएंगे वहाँ चाय लेके खा। अरे ये क्या गिरा हुआ जहाँ भी दो सेक्शन ज्वाइंट है वहाँ इतना लंबा स्ट्रेच बना के ऊंचा नीचा कर दिया, ऊंचा नीचा कर रखा है, वो वही चीज बेकार है। चलो और अब मिलते हैं, बात करते हुए चलेंगे, मेन मेन चीजें दिखाएंगे आपको। तो अभी तो बस चल ही रहे हैं और दिखाते हैं जब सनराइज का, मैं देख रही हूँ सनराइज कब होगा। सनराइज तो हो गया, देख रही हूँ। हाँ सामने से आना चाहिए ना, इधर से आएगा भाई, ईस्ट की तरफ। अच्छा चलो वो तो फिर हो गया सनराइज तो भाई, ईस्ट की तरफ से आएगा। चलो ठीक है मिलते हैं। अब ये है फर्स्ट टोल हमारा, फर्स्ट टोल एंट्री की थी। अब ये इसका जो टोल बना हुआ है, जो डिजाइन बहुत अच्छा बना हुआ है, मुझे तो ऐसा लगा हम इस पे चढ़ेंगे ऊपर की तरफ, अच्छा होना है तितली की तरह, बटरफ्लाई सुंदर है। तो ये एग्जिट है, अभी फर्स्ट एग्जिट है, फर्स्ट एग्जिट। टोल मीटर कट गया ना हमारा, तो पहला कटेगा तो अच्छा कटेगा अब, अच्छा वहाँ एंट्री करी थी तो ये है फर्स्ट टोल। यहाँ तो यहाँ पे जो ट्रक है ना वो काफी मात्रा में चल रहे हैं, जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाया गया है वो ट्रक के लिए, ट्रक के लिए, तभी रोड सही नहीं है बिल्कुल भी। करोड़ों लाखों का माल जा रहा, देखो रही हो, सरकार ने बिल्कुल भी जो है गाड़ियों पे ध्यान नहीं दिया, गाड़ियों पे हाईवे तो अच्छा बना, लेकिन ट्रक की वजह से गड़बड़ हो जाता है। जो बीच बीच में उठी हुई चीजें आ रही है ना, ऐसे एक होता है वो स्पीड ब्रेकर, ऐसे चौड़े चौड़े से हो रहे हैं तो उसमें एकदम झटका सा लग रहा है। चलो भाई गाड़ी बढ़ी नहीं रही आगे, सोनीपत पानीपत जालंधर, जलंधर भी इधर ही है। ये है नेशनल हाईवे 44, ईस्टर्न पेरिफेरल से हमने लेफ्ट को टर्न किया था, एग्जिट किया समझ लो आप। ये कौन सी सोसाइटी है भाई इतनी बड़ी, अभी इसमें कोई रह नहीं रहा है, लेकिन बालकनी बड़ी अच्छी लग रही है भाई इसकी, बड़ी अच्छी सी बालकनी बना रखी है। ये पहलवान ढाबा है, मुरतल के कई सारे हैं भाई, कौन सा वाला ओरिजिनल है ये नहीं पता। ये देखो मूर्ति हनुमान जी की, शिव जी की, अब ढाबे तो ये मन्नत लग रहा है, शाहरुख खान ने तो नहीं खुलवाया ये मन्नत। झिलमिल ढाबा, ढाबे जो है आपको कहीं मिल जाएंगे, शाहरुख खान के फैन ने। हाँ अगर खाना बना के घर से नहीं लाए हो तो काफी कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो यूवी ने सुबह सुबह भिंडी की रोटी सब्जी खा ली, क्यों यूवी बड़ी लगी तुम्हें भूख लगी आज, तो यूवी ने आज सुबह सुबह भिंडी की रोटी सब्जी खा ली है। और वैसे कर घर पे तो कोई मतलब ही नहीं है जो सुबह 6 बजे खा ले। हाँ भिंडी फेवरेट है ना, ये पिंपल भी आ गया देखना इतना मोटा। चलो देखो बिल्डिंग कैसी है वहां पर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पंजाब, हरियाणा निकल चुका है, और अब यहाँ पे जो है हमें पंजाब की ट्रैक्टर, पंजाब की हरियाली और पगड़ी वाले जो है सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, तो जिससे पता चल जाता है कि भाई पंजाब आ चुका है। यूवी ने जो भी नींद भी पूरी कर ली, क्यों यूवी अच्छी नींद आई, यूवी को अच्छी नींद आ गई। पीछे जो है बढ़िया सी बैटिंग कर रखी है हमने, थोड़े से जो है अलग से गद्दे वगैरह डाल दिए थे,
ताकि थोड़ा इतना जब लंबा सफर है तो चलो थोड़ा आराम मिल जाएगा। क्या हुआ, हाथ हो गया? हाथ हो गया। ये हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। आप भूख लग रही है, चाय भी नहीं मिलेगी आज? चाय तो पी लें। ऐसा लग रहा है कब से चल रहे हैं, 8:20 हुआ है, 8:20 में हमने कितनी दूरी तय की, कम से कम चंडीगढ़ तो पहुंचे ही। चलो चंडीगढ़ पहुंच के चाय हो गई है। चलो चंडीगढ़ पहुंच के हम करेंगे चाय नाश्ता। गरीब रथ जा रही है, गरीब रथ, गरीब रथ कहाँ जा रही है? गरीब रथ अब देख कितनी देर है चंडीगढ़ में, अभी पता नहीं, चाय का जो गले में ना खराश हो रही है। चलो मुझे लगता है ढाबे पे कहीं रुक लिया जाए, चंडीगढ़ पे रुकेंगे। अभी कहाँ हमारे बगल में ये कोई ट्रेन आ जाए प्लीज, हम सफर एक्सप्रेस आ जाए कोई सभी लोग। चलो कुछ तो सेव किया। अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे टोल आ चुका है। चलो भाई इस बार थोड़ा हम जो है टोल से बच गए, पिछली बार पिछले से पिछले हम फंस गए टोल में, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया टोल वाले ने एकदम। कुछ ऐसे जो लोग हैं जो बिल्कुल भी जो है देखते नहीं है कि भाई इतना तुम्हारे वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, अपना रिचार्ज ही नहीं करके रखते हैं। एक बंदे के चक्कर में कम से कम पीछे जाम लग गया, एक के चक्कर में बताओ। तो एंट्री हो चुकी है अब पंजाब में, पीछे जो है बोला था पंजाब है लेकिन वो पंजाब नहीं था, वो पंजाब से का बॉर्डर था, मतलब हरियाणा भी चल रहा था और हमें ऐसा लगा कि अम्बाला पंजाब में आता है तो वो पंजाब आया, लेकिन पंजाब में एंट्री अब हुई है हमारी, मतलब इससे पहले भी जो है पंजाब ही था लेकिन शायद हो सकता है बॉर्डर है क्या है पता नहीं, अब तो मेन पंजाब है। ये पंजाब आने की भी एक अलग ही खुशी हो रही है, लेकिन नाम से जो बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो पंजाब, क्योंकि हम तो रहे ही सरदारों में छोटे पे, तो हम बड़े खुशी, पहले तो हम बहुत ज्यादा है। तो पंजाब में कितनी नदियां हैं, 5, कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। हाँ ये 5 नदी है, इसीलिए इसका नाम पंजाब है। तो हम जब छोटे थे तो हमारा जो मेरी फ्रेंड और हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी अंकल आंटी सब सरदार, तो हमने गुरुद्वारे में लंगर भी बहुत खाया है, गुरुद्वारे भी हम लोग बहुत गए थे, मतलब तब तो हम आए दिन जो है गुरुद्वारे जाते थे लंगर खाते थे, तो वही सब दिन जो है याद आ गए। तो मैं कह रही हूँ चलो पंजाब में आ गए तो चले गुरुद्वारा। हाँ चलेंगे, अभी तो फिलहाल कहीं लंगर खाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि भाई लंगर वो भी फ्री में, और हमें और हमेशा जो है गुरुद्वारे में आपको लंगर मिलेगा हमेशा पूरा दिन, मतलब सबसे अच्छी बात ये होती है गुरुद्वारे की। तो किस किस ने लंगर में वो हलवा जो होता है वहाँ का वो खाया है और लंगर खाया है तो कॉमेंट करके जरूर बताए। चलो अभी जो है 1 घंटा लगेगा चंडीगढ़ पहुँचने में, तभी हम लोग ब्रेक लेंगे, चाय भी नहीं पिए बताओ। और आज मैं एक चीज भूल गई बस घर पे, एक चीज सब कुछ रखते भी क्या, थोड़ा सा दूध बचा हुआ था मैंने वो फ्रिज में रख दिया था बोतल में कि चलो, तो वो रह गया मेरा लास्ट, कोई बात नहीं। हाँ वो तो खराब ही हो जाएगा, वैसे सोचा था कि चलो चाय बना लेंगे रुक के, लेकिन वो चाय भी नहीं बन पाती है दूध और फिर बोतल खराब हो जाती। सरदार पंजाब पुलिस खड़ी हुई है भाई, अच्छा लग रहा है। वैसे हर जगह का वो अलग अलग होता है, जैसे हरियाणा था तो हरियाणा में क्या है कि ऐसा आपको कुछ दिखेगा नहीं कि ये हरियाणा के लोग हैं, और पंजाब में जो उनकी पगड़ी है तो उसको देख के ये होता है ना कि हाँ भाई हम यहाँ पंजाब में चल रहे हैं, तो देख के थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। चलो भाई जो हर जगह का लैंड एक अलग वाइब्रेशन देता है, वाइब्स अलग होती है, हर जगह की वाइब्स अलग होती है। तो अभी पंजाब में हो तो आपको बचपन से पता है पंजाब मतलब और जो खुशी पहाड़ों में जाने की है वो खुशी कहीं पे भी नहीं होती, पहाड़ हमेशा से ना नहीं लगते हैं जो लोग घूमने जाते हैं उनके लिए, अंदर से ही खुशी है तो नहीं पता, लेकिन जो घूमने जाते हैं उनके लिए हमेशा नहीं लगते, चाहे आप 6 महीने में ट्रिप लगाओ चाहे 1 साल लगाओ चाहे 2 महीने, ऐसा लगता है कोई एनर्जी सी आ गई है एकदम, और कहीं नई जगह जा रहे हैं। हाँ। तो हमेशा ऐसी फील आती है एकदम एनर्जी सी आ जाती है, पहाड़ों का नाम सुनते ही और देखते ही तो जो एनर्जी मिलती है वो डबल हो जाती है भाई एकदम। तो वही है कि बस अब 1 घंटे लगेगा है ना चंडीगढ़ में, नहीं अब तो जब उस समय 1 घंटा दिखा रहा था अभी तो हम नहीं आए, तो बस हम लोग लेंगे ब्रेक और टी ब्रेक लेंगे, सिर्फ टी चाय लेंगे और बाकी अपना खाना है वो खाएंगे और फिर थोड़ा सा फ्रेश होंगे फिर निकल पड़ेंगे सीधा, फिर हम लोग रुकेंगे शिमला जाके। चलो भाई मिलते हैं, यूवी को देखो जरा आराम से, मजे आ रहे हैं यूवी के पूरे।
स्टॉप है कोई। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, पंजाब में है, लेकिन अभी देखते हैं क्या आया है। चंडीगढ़ के पास ही आ गए हैं शायद, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ बिल्डिंग वगैरह, शॉप, मॉल्स वो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कोई प्रॉपर शॉप जो है कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है कि क्या चल रहा है, देखते हैं अभी। जिस हिसाब से जो यहाँ बिल्डिंग वगैरह दिख रही है, अभी दिखाते हैं। तो अभी बताते हैं कि हम कहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ बिल्डिंग देखो कितनी अच्छी बनी हुई है, ये इधर देखो, ये चंडीगढ़ तो भाई है ही राजधानी, हॉलीडे इन चंडीगढ़ ही आ गया। हाँ, मुझे भी चंडीगढ़ लग रहा है जिस हिसाब से, मतलब जो यहाँ की बिल्डिंग जो दिख रही है, जो अच्छी अच्छी है। अभी देखते हैं कोई एड्रेस लिखा होगा तब देखते हैं। ये मॉल है, मेट्रो लिखा हुआ है, मतलब मेट्रो नहीं, मेट्रो मॉल है शायद, पता चल जाएगा। रुको, देखो पंजाबी में लिखा हुआ है कुलजीत सिंह रंधवा। ये कौन है भाई? एमएलए रंधावा, हाँ सॉरी, ये एमएलए कौन सी? पंचकुला। भाई लोगों ने बताया कि पंचकुला में कुछ है, पतंजलि का कुछ तो नहीं है पंचकुला। तो ये देखिए जो पहाड़ है वो दिख चुके हैं सामने, उधर हल्के हल्के पहाड़ जो है कैमरे में भी आ गए। हाँ आ रहे हल्के हल्के, वही शिमला है, वही शिमला है, वही जाना है हमको आज, लेकिन हमें उसके आगे भी जाना है, हमें कहाँ, बियॉन्ड शिमला जाना है। तो आगे देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं, वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी हम आप लोगों को वो पहाड़ सामने नजारे, जो भी माउंटेन लवर्स हैं उनके लिए, तो अभी हम देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। और ग्रीनरी काफी है चंडीगढ़ में, अच्छा लग रहा है। चंडीगढ़ की जो वाइब्स हैं वो आ रही है कि हाँ हम चंडीगढ़ में थोड़ा बहुत हमने घूम लिए, विजिट कर लिया, निकलते जा रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है कि चलो पंजाब भी देख लिया, हरियाणा भी देख लिया, अम्बाला कैंट स्टेशन भी देख लिया, रेलवे स्टेशन। अभी कितनी देर है चंडीगढ़, अब देखते हैं निकल के कोई ढाबा देखेंगे, ढाबे पे रुकेंगे, वहाँ ब्रेक लेंगे और चाय नाश्ता करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। तो हम लोगों को पहाड़ जो है दिख चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है पहाड़ों से, और हाँ बहुत अच्छा एकदम क्लियर मिट्टी दिख रही है, ये देखिए पूरा। और आम ही आम, फ्रूट्स लगे हुए हैं, फ्रूट चाट होती ना तो बनवा लेते, लेकिन यहाँ पे फ्रूट चाट नहीं है, सिर्फ फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं। हाँ तो ऑप्शन तो है नहीं वैसे कोई, तो अब कोई ढाबा देख के जरा फटाफट से, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, गाड़ी नहीं पीना पड़ेगा। चलो देखते हैं आगे कहीं साइड में ऐसे कोई मिलेगा। और नजारे तो भाई बहुत बढ़िया लग रहे हैं, एकदम गजब के पहाड़ देखते ही एकदम मन खुश हो जाता है। हमारे लाला भी देखते हैं पहाड़ देखते ही मन खुश। यूवी आखिरकार यूवी जो है बहुत खुश है, है ना? बताओ क्यों खुश हो? क्योंकि मैंने देख लिया पहाड़। क्योंकि यूवी का मन था कि हम लड्डू गोपाल को घर छोड़ के नहीं आएंगे, तो यू भी खुश। हाँ तो यहाँ पे एक चीज जो हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिली, यहाँ साइड में रोड साइड नमक, ये देखो अब ये दिखाती हूँ मैं आपको, ले थोड़ा सा कितना नमक, कितना नमक है ये देखो, नमक तो पॉजिटिव, बड़े बड़े टेले, ये पूछो इनसे क्या नमक है, क्या ये नमक है, नमक है, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, काला नमक ये जी, अच्छा और सेंधा है, अच्छा ये वाला है, मुल्तानी डेली वाला, ये कितना बड़ा बड़ा नमक है भाई, देख डेली वाला नमक छोटा, जैसे बड़ा बड़ा डेली का जो आता है ना छोटे छोटे, हाँ हाँ पैकेट है, आधा किलो कितने का है, आधा किलो, आधा किलो, आधा किलो 40 का दे दो आप, आधा किलो ये रहने दो, ये काला नमक है, ये आधा किलो काला नमक, नहीं नहीं काला नमक है ये, अच्छा एक नहीं ये तो चाहिए होता, आधा किलो वो दे दो आप, देखो ये नमक कितना ज्यादा बड़ा बड़ा है, इतनी तले की निकल गया, और छोटी, हाँ हाँ तोड़ लेंगे हम, मुल्तानी मिट्टी लगा दो भैया, साफ देना साफ, ये कहाँ से आया था नमक, लाहौरी नमक, अच्छा लाहौरी नमक है ये, लाहौर से आता है, हाँ लाहौर से बोल रहे हैं भैया, ये लाहौर से आता है नमक, अच्छा पाकिस्तान से आता है भाई नमक, ये लो लाहौरी नमक लेके जा रहे हैं, ये हमने ले लिया एक काला नमक, और एक ये मुल्तानी मिट्टी भी लगानी चाहिए, अच्छा मुझे लगा लाहौर, लाहौर लाहौर मुल्तानी मुल्तानी मिट्टी कैसी थी, 20 की ले लें, ये भी दे दो आधी किलो, आप आधा किलो 500 के हो जाएंगे, हाँ 500
पाकिस्तान में इससे भी ऊंचे पहाड़ होते नमक के, ये नमक तो बहुत जरूरी है, काला तो हम बहुत यूज करते हैं। पापा जी बता रहे हैं पानी दो बेटा। तो ये ले लिया हमने नमक, और वो डेली वाला नमक लिया है, एक काला नमक लिया है, और हम ले रहे हैं मुल्तानी मिट्टी। तो ये नमक देख रहे हैं, नमक का साइज ठेला लगा रखा पूरा भाई, कई तरीके के हैं, एक इस पन्नी में भी है, एक वो बिल्कुल, एक वो काला वाला है। और भी चीजें हैं, ब्लैक सॉल्ट 500 रुपए निकालो, ब्लैक सॉल्ट तो बिल्कुल वैसे पत्थर लग रहा है, पत्थर ही तो होता है सॉल्ट, पत्थर के रूप में ही पहले सेल होता था। और क्या, और यहाँ देखिए नज़ारे भाई, वहाँ यहाँ से देखो कैमरे में कितने छोटे हो दिख रहे हैं पहाड़, जबकि हैं काफ़ी बड़े, जूम करेंगे तब फील आएगा ये। हाँ ये भी लेनी है, ये वाला नॉर्मल सॉल्ट है, ये रॉक सॉल्ट है ना, ये पत्थर वाला रॉक सॉल्ट, और ये मुल्तानी मिट्टी। अच्छा आधा किलो लिया क्या? अच्छा मुल्तानी मिट्टी। तो ये जो हो गया आज आ रहा है लाहौर का नमक, पाकिस्तान लाहौरी नमक है। ये रखो, ये भी पीछे रख, नीचे रख दो, जाओ तो पीछे रख दो, नीचे चलो। लाहौर में पापा जी बता रहे हैं कि इससे भी ऊंचे पहाड़ है नमक के। अरे इससे ऊंचे नहीं, मतलब एक पहाड़ होते हैं नीचे तोड़ा जाता है नमक। तो आज हम ले जा रहे हैं घर पाकिस्तान का नमक, अब हम पाकिस्तान का नमक खाएंगे। लाहौर तो बता रहे हैं, बता तो रहे हैं भाई, कुछ बद्दी शिमला पिंजोर। चाय आ चुकी है और हम अब पियेंगे चाय। ये रहा नज़ारा, जो आपकी लस्सी आ गई है, ये यू भी खा रहा है आइसक्रीम, इसको आइसक्रीम, और ये मेरी चाय। तो कैसी है शिमला? शिमला तो पहुंचा ही नहीं अभी, अभी तो रास्ते में ही है, इतना ब्लर आ रहा है। कर दो पापा को, दो फेर दिया वैसे, इतनी खाओ पहले, मज़ा नहीं आ रहा है दही को फेर। चाय तो यहाँ की अच्छी है, तारन तरन। अब थोड़ा सा छाया देख के ना खा लेंगे, वो तो चलते चलते मैं आपको खिला दूंगी, रुकने की जरूरत नहीं है उसमें। चलो टी ब्रेक ले लिया, और ये है हमारे पीछे का नज़ारा, लंच टाइम में टी ब्रेक। आज सुबह से अभी हमने मिट्टी जो है मिली है किस्मत से। चलो भाई अब रखते हैं, पहले चाय पी लें, ठंडी हो जाए।